हे एवरीवन, दिस इज जगदीप ब्रांड एंड आई वेलकम यू ऑल टू लर्न विद जगदीप। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पूरी रिवीजन बहुत ही कम समय में। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या प्रोसेस होती है। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यू इंडिविजुअल्स बनाते हैं सिमिलर टू देम सेल्फ, यानी कि उनके खुद के जैसे ही वो नए सिमिलर सेल्स को क्या बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑन लाइफ ऑफ दैट। तो जो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो न्यू इंडिविजुअल बनाता है जो कि उनके जैसे ही दिखते होते हैं। रिप्रोडक्शन अब दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, ये 6 टाइप्स का, विच इज फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्मोर फॉर्मेशन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो होता है, एक तो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, एक ह्यूमन में होता है। तो लेट्स स्टार्ट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला है फिजन। इसमें जो हमारा पेरेंट सेल होता है वो डॉटर उस वो जो है डॉटर सेल में डिवाइडेड हो जाता है, जिसमें जो हमारा पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब जो फिजन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो बाइनरी फिजन जिसमें जो हमारा फिजन्स है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, उसे तो हम बाइनरी सेल्स फिजन कहते हैं, जिसके अमीबा, पैरेनिशियम, ठीक है। ये देखो ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया ना, फिर ये देखो पहले एक था, फिर ये थोड़ा इस प्रकार के सेल बने, इसमें दो है ना अमीबा में, जो भी ले लो उसे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये दो दो सेल बन रहे, फिर ये अलग अलग हो गए दोनों सेल, फिर ये टूट गए, तो यानी कि ये क्या बन गया, बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन होता है जिसमें जो फिजन है वो बहुत सारे डॉटर सेल जिसमें प्रोड्यूस हों। तो फिजन वो होता है जिसमें बहुत सारे डॉटर सेल्स हों, तो जिसमें जो पेरेंट जो है अब दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स बनाए वो होता है मल्टीपल फिजन। जैसे कि प्लास्मोडियम, तो ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल बन गए, धीरे धीरे ये डॉटर सेल रिलीज होंगे और एक नया बनाएंगे। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। इट इज प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म क्रिएट फ्रेगमेंट इन टू स्मॉलर पीस एंड ईच पीस ग्रो इन टू होल न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा। तो देखो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमें एक ऑर्गेनिज्म है ना, इसमें क्या हो जाता है, अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को जो है कट कर दिया जाता है, फिर जो है वो जो कटे हुए पीस होते हैं, जो हमारे दो पीस होते हैं, उनको अगर हम एक नई नई जगह पर लगाएंगे तो वो जो है फिर से जो है उसी प्रकार का जो है, जिस प्रकार का हमने ऑर्गेनिज्म को काटा था उसी प्रकार के वो नाम एग्जाम उसी प्रकार के शेप ले लेंगे। स्पाइरोगायरा, तो ये हमारा एक स्पाइरोगायरा था, तो उसको काटा तो ये दो में बंट गया, और ये देखो अब दो को लगाओगे ना तो फिर से ये जो है स्पाइरो, तो ये क्या अब फिर से उग जाए, मतलब फिर से उग जाएंगे ये। तो ये प्रोसेस होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम स्मॉलर पार्ट्स में काट देते हैं और ईच पीस जो है एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में उग जाता है। तीसरा है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन जो है अपने मतलब इसमें क्या होता है, एक हमारा हाइड्रा होता है, एक प्लेनर भी है, दो एग्जांपल्स हैं। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक हमारा जो हाइड्री है वो क्या है, तो उसे एक हमारा ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम कट कर देते हैं तीन पार्ट्स में, फिर वो तीन पार्ट जो है एक नए नए ऑर्गेनिज्म के रूप में उग जाते हैं। तो ये मिलता जुलता है फ्रेगमेंटेशन से। देखो ये एक एग्जांपल हमारा हाइड्रा का, देखो कट इस तीन पीस में हमने काट सॉरी प्लेनरी का तीन पीस में काट दिया, फिर ये तीनों पीस जो है एक नए नए ऑर्गेनिज्म के रूप में उग गए। फोर्थ है बडिंग। बडिंग जो है स्मॉल पार्ट्स, इसमें क्या होता है कि हमारा जो एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म, उसके ना यहाँ पर बड उगता है। तो यानी कि पेरेंट्स फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ एक पर ब्रश यार, ठीक है, तो ये ब्रश ले लिया, तो ये देखो इसमें हमारा पेरेंट्स है ना, इसके यहाँ पे एक बड उगता है, बड उगता है जो कि स्मॉल छोटा सा होता है। तो ये बड फिर क्या होता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक नए ऑर्गेनिज्म का ही क्या कर लेता है, बड हमारा रूप ले लेता है। फिर बाद में ये जो है ना, ये यहाँ से यह क्या कर लेता है, ये जो होता है ना हाइड्रा में होता है ये, तो ये बाद में क्या होता है, ये बड जो है ना यहाँ से इससे डीअटैच हो जाता है, यानी कि यहाँ से ये टूट जाता है, फिर एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में हमारे सामने आता है। तो ये बात होती है हमारी बडिंग में। फिर है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये मेथड है प्रोपोगेशन रिप्रोडक्शन का, जिसमें प्लांट को हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनके वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि रूट, स्टेम्स और लीव। यानी कि हम क्या करें, किसी प्लांट की कली को काट कर लगा दिए तो वो एक नए प्लांट के रूप में उग गए। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वही होता है जिसमें हम प्लांट्स को क्या कर लेते हैं, रिप्रोड्यूस कर लेते हैं उनके पार्ट से, जैसे कि रूट, स्टेम और लीव से। उनको अगर हम रूट, स्टेम और लीव से हम उनको क्या कर लेते हैं, रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। दो टाइप्स का होता है ये, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियल। नेचुरल जिसमें मैन की किसी प्रकार की सहायता न हो, यानी कि जो खुद हो, किसमें होता है ये किसके अपन थ्रू होता है, लीव, बायरोफाइलम, टर्मरिक, जिंजर, रनर, स्टोलन, ठीक है, ग्रास, रनर, स्ट्रॉबेरी, बल्ब्स, अनियन, लिली, इनमें सब में होता है ये, ठीक है। और एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें आर्टिफिशियल मेथड को इंक्लूड किया जाए, यानी कि किसी पेड़ को हम कटिंग कर रहे हैं, उसकी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, उसको लेयर में डिवाइड कर रहे हैं, फिर या फिर उसके प्लांट टिश्यू से हम एक नया सेल, नया ऑर्गेनिज्म उगा रहे हैं। तो इसमें जिसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं, तो ये आपका एग्जाम्पल है
ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल है लीव्स के थ्रू। तो ये देखो लीव्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है बर्ड्स में। देखो ये बर्ड्स उग रहे हैं ना धीरे धीरे, ये बीज बन जाएंगे, फिर बीज एकदम नीचे गिर जाएंगे और फिर जो है एक नए प्लांट के रूप में उगाएंगे। फिर है स्पोर फॉर्मेशन। इन स्पोर द पेरेंट सेल प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोसॉफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर। तो इसमें क्या होता है ना, एक हमारा प्लांट होता है स्पोर, जिसमें क्या होता है कि ना वो अपने उसके पास ना एक मतलब गोला सा होता है, इसमें जो हमारा पेरेंट सेल है वो बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिसे स्पोर कहते हैं, जो फिर बाद में जो है स्पोर बाहर पक जाता है ना तो वो गिर जाए, तो वो स्पोर टूट जाता है और जो हमारे हमारे जो हमारे मल्टी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो होते हैं जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और फिर एक नए प्लांट के रूप में आते हैं। तो देखो ये जिसकी ये स्पोर है, तो ये इसके स्पोर था, ये बाद में टूट गया तो इस प्लांट से अभी नीचे गिर जाएंगे और एक नए प्लांट के रूप में सामने आएंगे। तो इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। ये पर बिल्कुल ही छोटे से टॉपिक्स थे, मैंने आपको डिटेल्ड में नहीं बताया, डिटेल में पूरा लेक्चर चाहिए तो यार देखो। नेक्स्ट है सेक्सुअल। तो सेक्सुअल दो में होता है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स और इन एनिमल्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, इसके पहले सबसे पहले हम तुम्हें याद रखने हैं इनके देखो तो ये होता है हमारा कार्पेलियल। क्या होता है? कार्पेल, ठीक है। तो ये इसमें तीन प्रकार का होता है, ये ओवरी को ही हम कार्पेल कहते हैं। तो देखो यहाँ से लेके ये तीन जो पार्ट होते हैं यहाँ तक, इसे हम कार्पेल ही कहते हैं, कार्पेल। तो इसमें स्टिग्मा ये होता है, स्टाइल ये जो होता है, और ओवरी जो होती है हमारी ये होती है, और ये जो इसके बीच में है ना ये ओव्यूल होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी सेपल्स होते हैं जो क्या करती हैं, किसी भी प्लांट को सपोर्ट देती हैं, और पेटल जो कि पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, पेटल्स होती हैं। फिर स्टैमन, यहाँ पे दो होते हैं एंथर और फिलामेंट, ये प्लांट के होते हैं। तो ये एंथर होता है एक, ये जहाँ पर डंडी सी, और ये जो फूल सा होता है ये है, सॉरी फिलामेंट तो डंडी सी होती है और एंथर जो होता है हमारा फूल होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है नेक्स्ट है, अब इसमें पढ़ते हैं कि कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टैमन ऑफ द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज नॉर्मल इज पॉलिनेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, जो भी हमारा एंथर है ना, एंथर जो भी एंथर है वहाँ से लेकर यहाँ से लेकर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है कहाँ तक, टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर्स के स्टिग्मा तक। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एंथर से जो है स्टिग्मा, यानी कि क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो जो हमारा एंथर है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, ट्रांसफर होता है किसका, पॉलन ग्रेन्स का, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। सर अब पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, अब क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एक तो क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन जो कि फ्लावर खुद करता है, जो कि फ्लावर पॉलन फ्रॉम द स्टैमन ऑफ फ्लावर इज ट्रांसफर्ड एज स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अगर वो मतलब अपने पॉलन यानी कि अपने फ्लावर के स्टैमन से अगर वो मतलब ग्रेन्स का जो है ट्रांसफर कर रहा है तो वो क्रॉस है। अगर सेल्फ है, अगर वो क्रॉस है यानी कि वो अपने अपने जो उसके पॉलन ग्रेन्स हैं वो क्या कर रहा है, दूसरे फ्लावर में दे रहा है, दूसरे फ्लावर को दे रहा है, तो वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये अब ये जो होते हैं हमारे ये जो पॉलन ग्रेन्स इनका ट्रांसफर करता है इंसेक्ट्स के थ्रू, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनके पैर जो इनके ये चिपके से होते हैं तो वो उनके साथ चिपके जाते हैं, वो दूसरे में बैठते हैं तो वहाँ पर जाके गिर जाते हैं, या फिर हवा के थ्रू होते हैं तो वो होते रहते हैं, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन, तो जहाँ तो खुद का, तो यहाँ से क्या होता है, पॉलन का ट्रांसफर हो जाता है यहाँ तक, ठीक है। पॉलन अभी ओवरी के अंदर चले जाते हैं, तो ये होता है। तो यहाँ पर हमारे पॉलन ग्रेन्स, देखो ये पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन जाते हैं फिर क्या हो जाते हैं, ये ओवरी में चले जाते हैं, फिर यहाँ पर जो है फीमेल जर्म सेल जो को डिवीजन हो जाता है उनका, और एक नए जो है ये देखो ये जा रहे हैं पोलन ग्रेन, ये स्टिग्मा और ये मेल जर्म सेल है और ये पोलन ट्यूब है, तो ये जा रहे हैं, ठीक है। तो अब फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे होता है, पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। तो जैसे फर्टिलाइजेशन में करना है आपको प्लांट्स में, तो उसके लिए पॉलिनाइजेशन होना चाहिए। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल विद द फीमेल जेमिट्स। तो ये क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल जर्म सेल का फीमेल जेमिट्स के साथ। इट गेव राइज, फिर क्या होता है, जायकॉड बनता है। एज सून द पोलन लैंड्स ऑन सुटेबल स्टिग्मा इट रिचेज द फीमेल सेल्स इन ओवरी। तो फिर ये जो हमारे सेल्स होते हैं ओवरी में चले जाते हैं। दिस ऑकर बी अ पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब से होते हैं। द पोलन ट्यूब ग्रो आउट द पोलन ग्रेन्स ट्रेवल थ्रू द स्टाइल एंड फाइनली रीच द ओवरी। तो यानी कि ये बाहर तक होती है जो हमारी पोलन ट्यूब है, फ्लावर के स्टिग्मा तक होती है और ये फिर ओवरी तक जाती है, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डाइकॉट डिवाइड इनटू मैनी टाइप एंड फॉर्म एन एम्ब्रियो विद द ओव्यूल। तो बाद में क्या होता है, ये जो हमारा ये जो होता है फीमेल जर्म सेल, ये डिवाइड हो जाते हैं किसके साथ, डिवाइड हो जाते हैं और बहुत समय बहुत मतलब मैनी डिवाइड्स हो जाते हैं एम्ब्रियो के साथ, तो क्या बनाते हैं, ओव्यूल बनाते हैं। दिस ओव्यूल देन हेल्प डेवलप टफ कॉट एंड गट कन्वर्टेड इन सीड। तो ये ओव्यूल जो है मतलब बड़ा सारा कॉट डेवलप करता है और क्या देता है, हमें एक सीड देता है। दी ओवरी रैपिडली ग्रो एंड राइपन्स एज अ फ्रूट। तो जो ओवरी है वो मतलब
बड़ी हो जाती है और एक फ्रूट के रूप में सामने आती है। सीड कंटेन द फ्यूचर एम्ब्रियो दैट डेवलप्स इनटू सीडलिंग अंडर सुटेबल कंडीशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो सीड होती है जो कि जिसमें जो है फ्यूचर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है सीडलिंग में अंडर सुटेबल कंडीशन, यानी कि ये क्या देती है, इसे ओवरी इसे सुटेबल कंडीशंस देती हैं किसको, एम्ब्रियो को, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। तो इस प्रकार से इसमें रिप्रोडक्शन जो है होता है किसमें, इन प्लांट्स में। प्लांट्स में किसके थ्रू होता है, वो खुद ही करते हैं। तो उनके पास दो मेथड्स होते हैं, क्रॉस और सेल्फ, यानी कि वो खुद भी करते हैं या फिर किसी के करवाते भी हैं। तो प्लांट्स में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, पहले पॉलिनाइजेशन होता है यानी कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, फिर जो है जाइकोड बनता है, फिर वो ओवरी में जाते हैं, वो सेल्स जो होते हैं हमारे पोलन लैंड, जो भी हमारे सेल्स होते हैं फीमेल जर्म सेल्स होते हैं ये वाले, है ना, ये मेल जर्म सेल है। तो ये क्या करेंगे, इसमें जाएंगे ओवरी में, ओवरी में जाएंगे तो फिर क्या होता है, ओव्यूल के साथ फिर बाद में जो हमारा जाइकोड बनता होता है उससे क्या करती है, वो एम्ब्रियो के साथ वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो के साथ डिवाइड हो जाते हैं, ओव्यूल के साथ एम्ब्रियो डिवाइड हो जाता है और दिस ओव्यूल डेवलप, फिर ये टफ गॉड बनाता है और एक सीड के रूप में सामने आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे मीन्स, अब मेल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो देखो मेल के पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। तो मेल जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है टेस्टिस, द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस। तो इसमें स्पर्म और जो हमारे जर्म सेल है वो उसका प्रोडक्शन होता है इस टेस्टिस में। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अगर स्पर्म की जो प्रोसेस होती है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। दिस बिगन एट पबर्टी, तो ये पबर्टी यानी कि टीनेजर, जब हमारी जवानी सी होती है फिर टीनेजर उस शुरुआत में हो जाता है एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ह्यूमन मेल, और ह्यूमन लाइफ की सारी लाइफ तक उसका स्पर्म बनता है। टेस्टिस आल्सो सेक्रेट द मेल हार्मोन, मेल हार्मोन आएगा यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस जो एक मेल हार्मोन भी रिलीज करता है जो क्या होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद स्कॉटम, तो स्कॉटम इट इज सैक टिक थिन डैट प्रोटेक्ट एंड सराउंड द टेस्टिस। तो हमें ये एक सैक थिक स्किन होती है जिसमें हमारे टेस्टिस जो होते हैं वो होते हैं। इट इज़ आल्सो कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, तो टेम्परेचर कंट्रोल करती हैं टेस्टिस का, सिंस दे हैव टू बी स्लाइटली लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी, क्यों उन्हें बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी से एज कम्पेयर टू बॉडी फॉर सुटेबल स्पर्म कन्जुगेशन, ताकि अच्छे से स्पर्म जो है बन सके। तीसरा है वास डिफरेंसेस, द स्पर्म फ्रॉम आर फॉर्म आर डिलीवर थ्रू वास डिफरेंसेस। तो जो स्पर्म हमारा बनता है वो वास डिफरेंसेस के थ्रू जाता है, विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूनाइटेड, जो कि किसके साथ जुड़ता है, ट्यूब के साथ जुड़ता है, जो कि हमारी यूराइन ट्रांसफर ट्यूब होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से आ रही होती है। द यूरेथ्रा दस फॉर्म अ कॉमन पैसेज बोथ द स्पर्म एंड यूरिन, तो यूराइन और स्पर्म के लिए बहुत ही कॉमन पैसेज बन चुका है। तो ये मेन का मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। देखो तो देखो बड़ा कर लो इसको यार, इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखो ये हमारा ब्लैडर है, ठीक है, तो ये हमारी यूरेथर आ रही है, तो ये हमारी यूरेथर आ रही है, यूरेथर आ रही है, तो ये क्या हो जाती है फिर सर्मिनल वेसल होती है ये, ठीक है। ये हमारा टेस्टिस है, तो टेस्टिस से यहाँ से हमारी क्या आती है, वास डिफरेंस आती है, ये आ रही है, फिर वास डिफरेंस आके क्या हो जुड़ जाएगी आकर, देखो तो ये जो है ब्लैडर में चली जाएगी हमारी यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा जब बाहर आएगी तो ये जो हमारी वास डिफरेंस होगी ये इसके साथ जुड़गी, ये देखो जुड़गी ना, तो ये जुड़ के फिर ये कॉमन पैसेज बन गया किसके लिए, यूराइन और, तो देखो यूराइन और ये जो होते हैं ना ये निचला वाला पार्ट, ये होता है हमारा स्कॉटम, ठीक है। तो तुम्हें समझ आ गया होगा स्कॉटम। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ओवरीज। तो ओवरीज क्या होती है, पेयर ऑफ ओवरीज आर ओवल शेप्ड, ये ओवल शेप्ड होती है, शॉप्ड ऑर्गन लोकेटेड इन वन साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के होता है, ये वुमन के बैक में पाई जाती है, ठीक है। दे फॉर्म द ओवम एंड सीक्रेट द, ये ओवम भी बनाती है और एक फीमेल हार्मोन को भी रिलीज सीक्रेट करती है, जिसे दो हार्मोन्स होते हैं ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब दे आर एम्पायर ऑफ मस्कुलर ट्यूब, ये मस्कुलर ट्यूब होती है और फनल शेप स्ट्रक्चर होती है, जो कि राइट एंड लेफ्ट ऑफ सुपीरियर कॉर्नर ऑफ द यूरेटस टू द एज ऑफ द ओवेरीज तक ये जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे होती हैं, राइट और लेफ्ट जो कॉर्नर्स हमारे यूट्रस से उनके एज तक जुड़ी होती है ऑफ द ओवरीज। इट कैरीज ओवा और एग फ्रॉम द ओवरी टू यूरेटस, तो ये ओवा और एग लेके आती है यूरेटस तक। इट इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये साइट है फर्टिलाइजेशन के लिए। देन इज यूट्रस, यूट्रस क्या होता है, वॉर्म, वॉर्म क्या होते हैं, यानी कि हमारे जहाँ पर बच्चा जो है बनता है, जहाँ पर उसे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, जहाँ पर बच्चा होता है।
हेलो पियर शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर थे वेयर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फोटस टेक प्लेस, जहाँ पर जानी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो होता है, जहाँ पर बच्चा बढ़ता है। वजाइना इट रिच स्टेम फ्रॉम मेल पार्ट एंड सब्सेस बर्थ ग्लैंड, ये जो है यहाँ से जो है फीमेल को क्या मिलता है, स्पर्म मिलता है थ्रू द मेल पार्टनर के थ्रू से, यहाँ से इस वजाइना से स्पर्म मिलता है और इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं, यानी कि जब बच्चा आने वाला होता है तो वो भी वो इस कैनाल से जो है होता है। तो देखो इसको समझ लो यार, तो ये है ठीक है, तो ये देखो हमारा ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब है, तो ये देखो इसके साथ जुड़ी है और ये ओवरीज है, तो दो ओवरीज होती हैं, ये ओवरीज हैं ठीक है, ये यूरेट्रेस आ रही है हमारी, तो ये इसके साथ जुड़ी होती है, तो यहाँ से सर्विक्स होता है, यहाँ से हमारा क्या होता है, क्या कह सकते हो तुम, यूराइन होता है ठीक है, यूराइन होता है। और ये जो होता है हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो है बच्चे की डेवलपमेंट होती है, 9 महीने बच्चा यहीं पर रहता है और फिर यहीं से इसके थ्रू ही बच्चा जो है जन्म लेता है, छोटा वजाइना, तो ये हमारी बर्थ कैनाल भी होती है और इसी से जो है वीमन को यहाँ से स्पर्म जो है मिलता है ठीक है, इसी के थ्रू है ना। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग, अब ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, तो द फ्यूजन ऑफ मेल मेल जेमिट एंड ओवम इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन होना, यानी कि मेल के स्पर्म का और वुमन के ओवम का ठीक है, तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। व्हेन द स्पर्म फ्यूजेस विद एग, जब स्पर्म जो है एग के साथ फ्यूज करता है, इट फॉर्म्स जाइगोट दैट गिव्स टू न्यू प्रोजेनी ठीक है, तो ये क्या होता है फिर जो है, जब भी हमारा स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज करेगा, यानी कि जो मेल का स्पर्म है वो फीमेल के एग के साथ फ्यूज करेगा, तो वो एक जाइगोट बनाते हैं जो कि न्यू प्रोजेनी, यानी कि नए बच्चे को जन्म देते हैं। द जाइगोट अंडरगोज वेरी डिवीजन टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, तो जाइगोट है बहुत डिवीजन के अंदर अंदर जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए। The embryo sink down and reaches into soft and thick lining. तो जो embryo होता है, तो zygote जो है वो various division के through जाता है और एक embryo बनाता है। जो embryo होता है ना वो sink down होता है और वो soft और thinking lining होता है uterus में, वहाँ पर चला जाता है ठीक है। द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नॉन एज इम्प्लांटेशन, तो जो एम्बेडिंग होते हैं हमारे एम्ब्रियो के, वहाँ पे जाके जो हमारा जो जाइकोड बनता है और फिर वो वायरस डिवीजन में एम्ब्रियो, तो वो एम्ब्रियो जो है ना, जब जो एम्ब्रियो बनता है तो वही इसके थ्रू आके यहाँ पे आके ना इसमें साइड में टच जहाँ हो जाता है, तो ये हो जाता है इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, इम्प्लांटेशन होती है, यानी कि प्लांटेशन हो जाती है। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर ब्लड विद प्लांटेशन, तो मदर ब्लड से इसको न्यूट्रिशन मिलते रहते हैं और ये फिर ये बच्चे के रूप में आ जाता है। वट हैपन वेन नॉट एग्जिस, क्या होगा अगर मेल के फीमेल सेल्स, या अब जो है फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, मेल के स्पर्म का, यानी कि उसके स्पर्म और वुमेन के ओवम का मिलना ज़रूरी है। अगर क्या होगा कि अगर मेल के स्पर्म का और वुमेन के ओवम, अगर मेल का स्पर्म और वुमेन का ओवम जो है ना मिले, क्या होगा, अगर मेल का स्पर्म तो सीक्रेट होगा लेकिन वुमेन का ओवम नहीं सीक्रेट हुआ, यानी कि एग नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ, तो क्या क्या होगा। तो सिंस द ओवरी रिलीजेस वन एग एवरी मंथ, तो हर एक महीने ओवरी जो है एग को रिलीज करती है। द यूरेट्रस आल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज एग, तो जो हमारा यूरेट्रस है जहाँ पर है ना, जहाँ पर हमारा मदर वॉर्म होता है यूरेट्रस है ना, तो उसको प्रिपेयर रहना चाहिए फर्टिलाइज को, एग को रिसीव करने के लिए। दस इट लाइनिंग बिकम थिकी एंड स्पॉन्गी, तो इस समय जो लाइनिंग होती है और जो थिक वो कह देते हैं स्पिकी और स्पॉन्गी। तो देखो तो क्या होता है, हमारी ओवरी जो है आई महीने, फीमेल्स की ओवरी जो है आई महीने क्या करती है, एक एग को रिलीज़ करती है। तो एक एग को जब वो रिलीज़ करती है तो वो एग जो है एक दिन के लिए वहाँ पर रहता है ठीक है। तो अब ठीक है, एग को रिलीज़ करती है, अगर वो एग नहीं फर्टिलाइज होता तो वो एग वहाँ पर एक दिन के लिए रहता है, तो दिस लाइनिंग, तो फिर वो ज़्यादा समय तक एग नहीं रहता, तो वो क्या होती है, वो कहती है तो वो लाइनिंग जो भी हमारा एग है वो टूटने लग जाता है इन पार्ट्स में, और वो वजाइना के थ्रू ब्लड्स और ब्लड के थोड़ी गंदगी के रूप में जो है समझ सामने आता है, यानी कि वो फिर वो कह सकते तो वजाइना के थ्रू निकलने लग जाता है मेंसुरेशन। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ एंड नॉन इज मेंसुरेशन, ये साइकिल आए महीने होता है, ये इसे हम मेंसुरेशन कहते हैं। इट यूजली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 डे, ये लास्ट के 2 से 8 दिन तक ये मेंसुरेशन साइकिल जो है चलता है, होता है। अब है हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है कंप्लीट फिजिकली है, मेंटल है एंड सोशल विंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, इनकी मेल तो जो है फीमेल रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार, अगर फीमेल का माइंड सेट नहीं है कि उसे रिप्रोडक्शन करना नहीं है, तो फिर वो होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जिसके लिए दोनों मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों तैयार होने चाहिए, इनके वो कम्प्लीटली फिजिकल मेंटल और मेंटल भी होने चाहिए, और उनके पे किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो इसलिए वो होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जहाँ पर मेल और फीमेल जो है ठीक है उन पर किसी प्रकार का दबाव ना हो और वो फिजिकली मेंटली फिट हों ठीक है। तो ये वहाँ पर और क्या होती है, जहाँ पर देर आर मैनी इन्फेक्शियस डिजीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो मैनी इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड
ट्रांसफ़र हो जाती है, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट करने से जो ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसे हम STDs कहते हैं, जैसे कि गोरनिया, साइपल्स, ये तो बैक्टीरिया की फॉर्म में होती हैं, और ये HIV VRT ये वायरस की फॉर्म में होती हैं। तो क्या करना चाहिए? तो इसके लिए अगर ठीक है, अगर उन्हें सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आना है लेकिन बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है, यानी कि उनके रिप्रोडक्शन नहीं करना, तो वो क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशंस को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कॉन्टरसेप्टिव्स को यूज़ करते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। देखो, कॉन्टरसेप्टिव्स आर डिराइव्ड डेप्रेटली अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड हेल्प अवॉइड एसटीडीज। कॉन्टरसेप्टिव जो होते हैं वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। कॉन्टरसेप्टिव कैन बी वेरियस टाइप, तो बहुत टाइप के होते हैं, मैकेनिकल, वेरियस केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं। पहला है फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में टू प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, यानी कि जब एग और स्पर्म ही नहीं मिलेगा तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, यूज़ ऑफ कॉन्डम्स, सर्वेसियल कैप्स एंड डायफ्राम का यूज़ करना चाहिए। किसका? कॉन्डम्स का, सर्वाइसल कैप और डायफ्राम का यूज़ करना चाहिए। अब ये किस प्रकार का होता है, तो देखो, हमने एक स्ट्रक्चर देखा था मैल को, तो देखो कॉन्डम होता है वो क्या होता है, इस प्रकार का, ये हमारा मैन है, तो इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग आ जाती है, तो प्लास्टिक की कवरिंग आ जाती है, तो ये होते हैं हमारी कॉन्डम्स। ये तो इसकी ये प्लास्टिक की ऊपर कवरिंग हो जाती है, फिर ये सेक्सुअली अगर कॉन्टैक्ट करोगे तो बच्चा नहीं होता। ये सबसे बेस्ट मेथड है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है इन इंडिया, ठीक है। और दूसरा है सर्विक्सल कैप्स, यानी कि ठीक है कैप्स को, या फिर डायफ्राम भी जस्ट लाइक होता है हमारा कॉन्डम, ठीक है। और ये जो होता है जस्ट लाइक वैसा ही होता है, बट ये वुमन की वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पे इंसर्ट, तो यानी कि वो तो ठीक है, वो तो बाहर होता है, तो ये जो होता है इस प्रकार का होता है, ये यहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे जो है बच्चा नहीं होता है। नेक्स्ट है ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल मेथड्स। हम केमिकल मेथड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, यूजेस ऑफ और भी, हम क्या कर सकते हैं, एक पिल आती है उसे खा के जो है कर सकते हैं, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। बट इससे तो ये अब क्यों, इससे क्या होता है, इससे क्या हो जाता है, तो इससे हार्मोनल बैलेंसेस में चेंज आ जाता है बॉडी में, तो जिससे एग जो है रिलीज़ ही नहीं होता, जब एग ही नहीं रिलीज़ होगा तो स्पर्म जो जाए यार बाढ़ में जाए, तो ठीक है प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो मे हैव साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट भी हैं। तीसरा है ठीक है, इंट्रायूटराइन कॉन्टरसेप्टिव डिवाइस IUCD, जिसमें जो है कॉइल लूप को जो है वुमन की यूरेट्रस में प्लेस कर दिया जाता है, जहाँ से प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट होती है, कॉपर टी को, ठीक है। सर्जिकल मेथड में क्या जाता है, मेल द वास्ट डिफरेंस इज ब्लॉक टू प्रिवेंट सम फॉर्म ट्रांसप्लांट कॉल वास्टिटॉमी। तो क्या होता है कि वुमन, हमने देखा मेल के पास एक जो है ट्यूब होती है जहाँ से उसका स्पर्म जाता है, विच इज दिस टीम वाद, तो मेल में क्या कर देते हैं, इस टीम को इस जो हमारी वास डिफरेंसेस होती है, वास डिफरेंसेस, इसको कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे फॉर्म ट्रांसफ़र ही नहीं होता और प्रेगनेंसी नहीं होती। चौथा फीमेल में, तो फ्लैपिन ट्यूब इज ब्लॉक टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर कॉल्ड ट्यूबोटॉमी। तो फीमेल्स में जो फेलोपियन ट्यूब है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे जो है एग जो है ट्रांसफ़र नहीं होता, जिसे हम ट्यूबोटॉमी कहते हैं इनको। तो ये डेफिनेशंस आ सकती हैं, तो ठीक है ठीक है। तो अब व्हाट इंपॉर्टेंट है, DNA कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में DNA कॉपी होता है, यानी कि आधे सेल्स जो है मम्मी के आते हैं और आधे सेल्स हमारे पापा के आते हैं। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक मैन है, उसकी आंखें, एक वूमन है उसकी आंखें ब्लैक है और एक मैन की आंखें थोड़ी ब्राउन सी है, तो जो उनका बच्चा होगा वो उनका आधा मिक्सअप सा होगा, तो उनका बच्चा कैसा पैदा हुआ, एक ब्लैक आईज़ का, तो यानी कि उसमें क्या होता है, थोड़ा डिफरेंसेस होता रहता है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है। तो DNA का कॉपी होना बहुत ज़रूरी है रिप्रोडक्शन में, अगर DNA नहीं कॉपी होगा तो बच्चा किसी और पे ही चला जाएगा। तो इसी प्रकार ये चैप्टर हो जाता है यहीं पर एंड। सो मिलेंगे एक नई वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, सो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।